हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ प्रोटोकॉल्स कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम देखेंगे कुछ और नए प्रोटोकॉल्स। पहला प्रोटोकॉल है SMTP। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम आता है और ये मेनली जो यूज होता है वो यूज होता है ये सेंडिंग साइड पे। जो सेंडर होता है उसकी साइड पे ये काम करेगा, रिसीवर साइड पे काम नहीं करेगा। ईमेल्स को ट्रांसफर करने में, ईमेल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है और सेंडर साइड पे काम करता है। एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। ए हमारा सेंडर है इसमें और बी रिसीवर है। दोनों ही ए अपने मेल सर्वर से कनेक्टेड है थ्रू लैन और वैन, और बी भी क्या है अपने मेल सर्वर से कनेक्टेड है थ्रू लैन और वैन। अब यहाँ पे क्या होगा, सेंडर साइड पे हमारा SMTP काम करेगा। SMTP के जो हेडर है, हेडर के ऊपर जो एड्रेस लिखा होगा रिसीवर का, उस रिसीवर के एड्रेस को रीड करके हमारा जो मेल सर्वर है वो आगे क्यू में लगा देगा हमारे मेल को। क्यू में जो रेडी क्यू बनी हुई है मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए, वहां पे ये अप्लाई कर देगा हमारी नई ईमेल को। तो यहाँ पे SMTP काम करने वाला है, ए जो हमारा सेंडर है उसके इनबॉक्स से लेके हमारा जो मेल सर्वर है रिसीवर एंड पे वहां तक। कैसे काम होगा, यहाँ से इनबॉक्स से लेके SMTP कहाँ पहुंचाएगा, पहले पहुंचाएगा हमारी ईमेल को जो उसका मेल सर्वर है उसके पास। उसके बाद यहाँ पे क्यू में लगा के इंटरनेट में जहाँ पे ईमेल्स जा रही है जहाँ से, क्यू में लगा के सेंड कर देगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो रिसीवर का एड्रेस मेंशन है उसके हेडर में, वहां पे पहुंचा देगा। अब यहाँ तक हमारा SMTP का काम खत्म होता है। उसके बाद एक नया हमारा प्रोटोकॉल काम करेगा, POP3 पोस्ट ऑफिस वर्जन 3। ये हमारा मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए ही हेल्प में आता है और ये काम करता है रिसीविंग एंड पे। हमारा सेंडिंग एंड पे काम करेगा SMTP और रिसीविंग एंड पे काम करेगा POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यहाँ पे ये जो मेल सर्वर है रिसीवर साइड पे, यहाँ पे हमारी मेल आ चुकी है SMTP के थ्रू। अब इस मेल को यहाँ के इनबॉक्स से जो रिसीवर एंड है उसके इनबॉक्स पे पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो POP3 की रहती है। यहाँ पे हमारा मैसेज SS एजेंट काम करेगा। दो मैसेज SS एजेंट होंगे हमारे POP3 वर्जन के पास। एक यहाँ पे होगा मैसेज SS एजेंट, एक यहाँ पे होगा। ये एक्ट करेगा एज अ सर्वर, ये एक्ट करेगा एज अ क्लाइंट। सर्वर क्या है, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये रिक्वेस्ट सेंड होगी पहले, ये अपनी जो मेल आई हुई है उसकी रिक्वेस्ट सेंड करेगा और फिर उसके रिस्पॉन्ड में ये क्या करेगा, मेल को सेंड कर देगा इसके इनबॉक्स में। तो इस तरीके से हमारा POP काम करता है और इस तरीके से हमारा SMTP काम करता है। ये थे हमारे दो प्रोटोकॉल जो मेल पे काम करते हैं और एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। उसके बाद एक और एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल, टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको। इसका जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है वो ये होती है कि ये दो लोकली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाने में काम आता है। ये सपोज हमारे दो लोकल कंप्यूटर्स हैं, ये है एक कंप्यूटर जिसको हम लोकल कंप्यूटर बोल रहे हैं, दूसरा है हमारा रिमोट कंप्यूटर जो ये काम कर जो एक्ट करेगा एज अ सर्वर टेलनेट सर्वर प्रोग्राम की तरह, और ये एक्ट करेगा हमारा टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम की तरह। अब इस लोकल कंप्यूटर को हम कनेक्ट करवा रहे हैं इस रिमोट कंप्यूटर से, जिसको कनेक्ट करवा रहे हैं वो लोकल कंप्यूटर है, जिससे कनेक्ट करवा रहे हैं वो हमारा रिमोट कंप्यूटर है। अब इस रिमोट कंप्यूटर पे जो भी एक्टिविटी होगी हम इजीली देख पाएंगे हमारे लोकल कंप्यूटर पे। तो जब भी हमें लोकल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना होता है हमारे यूज में आता है एप्लीकेशन लेयर का टेलनेट प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल की हेल्प से हम क्या करवा पाएंगे, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करवा पाएंगे और जो भी यहाँ पे काम हो रहा होगा वो एक्टिविटी हम सारी की सारी यहाँ पे अपने लोकल कंप्यूटर्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी वो एक्टिविटी। तो ये थे हमारे तीन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो एप्लीकेशन लेयर पे काम आते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब उसके बाद है हमारा FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हमारा यूज में आता है एप्लीकेशन लेयर पे। जब भी हमें इंटरनेट पे अपनी फाइल को अपलोड करना होता है या फिर कोई फाइल डाउनलोड करनी होती है तो FTP का यूज होता है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ही काम होता है। जो रिक्वेस्ट कर रही होती है, जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है यूजर, वो क्लाइंट की तरह एक्ट करेगा और जो सर्वर की तरह एक्ट करेगा वो जो फुलफिल करके देगा वो वेब पे जो यूजर मांग रहा है वो सर्वर की तरह एक्ट करेगा। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम आने वाला प्रोटोकॉल है और ये क्या काम करता है, ये फाइल्स को ट्रांसफर करता है ओवर इंटरनेट। इसका दूसरा एक जो सिक्योर वर्जन है वो है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या है, जो भी क्लाइंट कमांड दे रहा है और जब ये फाइल जो ट्रांसफर हो रही है सर्वर टू क्लाइंट, ये दोनों ही क्या है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, कमांड्स भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है, प्लस में जो फाइल ट्रांसफर होगी सर्वर से क्लाइंट के पास वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। तो जब भी सिक्योर हमें मीडियम यूज करना होता है तो वहां पे यूज होती है हमारी SFTP प्रोटोकॉल।
उसके बाद है हमारा पीपीपी प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जब भी दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करवाना होता है तो वहां पे काम करता है हमारा पीपीपी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू राउटर्स कनेक्ट फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन यूजेस पीपीपी। हमारे जो दो राउटर हैं, दो कम्युनिकेटिंग राउटर हैं, उनको अगर हम कनेक्ट करवाते हैं तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और वहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। उसके बाद है हमारा HTTP प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट ओवर द इंटरनेट। जब भी हम वेब पेजेस की डिमांड करते हैं, जैसे ही वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, हमारा HTTP प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है और ये हाइपरटेक्स्ट को ओवर इंटरनेट ट्रांसफर करने में हमें काम में आता है। इट इज डिफाइंड बाय WWW ने इसको डिफाइन किया है फॉर द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। जब भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए डिफाइन किसने किया है इसको, WWW ने इसको डिफाइन किया है। दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ द इंफॉर्मेशन नीड टू बी ट्रांसमिटेड और फॉर्मेटेड। ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कैसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी इंटरनेट पे वो कैसे फॉर्मेटेड होनी चाहिए और किस तरीके से वो ट्रांसफर होनी चाहिए, ये सब डिफाइन करता है हमारा HTTP प्रोटोकॉल। Whenever user opens a web browser, the user is indirectly uses HTTP. जैसे ही web browser open होता है, वैसे ही HTTP का काम start हो जाता है। उसका एक secure version है हमारा HTTPS। ये है हमारा HTTP secure version। इसमें क्या होता है? ये एक extension version है हमारे HTTP का। ये securely communication में help करता है over the internet। जब भी हमारी वैसे क्या होता है? web browser पे हमारा HTTP ही काम कर रहा होता है। लेकिन जब भी हमारी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आती है वेब ब्राउजर पे तो क्या हो जाता है, वहां पे हमारा जो प्रोटोकॉल काम करने लग जाता है वो HTTPS काम करने लग जाता है। जैसे कि हमारी डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर हमें वहां पे फिल करनी है, हमें कई बार नीड पड़ती है क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को वहां पे अप्लाई करने में, किसी भी चीज में अप्लाई करने में जब हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कोई भर रहे हैं, वहां पे फीस हमें ट्रांसफर करवानी है, तो वहां पे जो यूज होगा वो HTTPS प्रोटोकॉल का यूज होगा, क्योंकि वहां पे हमें एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, वेब ब्राउजर उसको डिटेक्ट करेगा ये हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो इसको सिक्योर मोड में हमें ट्रांसफर करवाना है, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो HTTPS यूज होगा ना कि HTTP। तो ये थे हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किए हैं और इस वीडियो में कवर किए। सारे के सारे प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी, तो आप इनको छोड़ के बिल्कुल मत जाइए पेपर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।